हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे आप लैपटॉप में तो कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें डेस्कटॉप में। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ सर्च पर क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्क्रीन। देखिए, स्क्रीन लिखते के साथ आपको तीन चार ऑप्शन आ गए, तो मैं एक यहाँ इसमें से कोई एक डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड लाइट है, इसमें फंक्शन थोड़े कम रहते हैं इसलिए ईजी रहती है चलाना। मैं इसे कर लेती हूँ, मैंने उसे टच किया। ठीक है, टच करने के बाद ये आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो फर्स्ट मैं इसे इंस्टॉल करती हूँ। यहाँ से आ गई। इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको इस तरह साइन इन करने को आएगा, लेकिन मेरे यहाँ पहले से साइन इन है इसलिए मैं अभी इसे कैंसिल कर देती हूँ। वेट यार, क्या हो गया। तो आप यहाँ से देखिए, आपको कुछ इस तरह रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कर दिया। अब ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है आपका नेट कनेक्शन कैसा है, वो उस हिसाब से ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया इस एप्लीकेशन को, तो मैं यहाँ से लॉन्च करती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा लॉन्च हो गया है। ये देखिए, मैंने इसे क्लिक किया तो ये लॉन्च हो गया, कुछ इस तरह से आपका आएगा। मैं इसे कट कर देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को। अब मैं यहाँ से देखिए, ये कुछ एड्स वगैरह आते हैं डाउनलोड करने के बाद, मैं इसे कट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये आया रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, ये भी फिर से ऐड आ गई, इसे मैं फिर से कट कर देती हूँ। ये रिकॉर्ड वीडियो, मैंने रिकॉर्ड वीडियो में क्या किया, अब मैं यहाँ से देखिए, ये जो रेड वाली जो आपको सर्कल दिख रही है, यहाँ से होती है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग में मैं क्लिक कर रही हूँ, ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड में ये ना आ जाए। तो मैं आपको छोटा सा रिकॉर्ड करके शो करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को मैंने यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, तो ये ओपन हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे साइट्स खुले हुए हैं, जो चीज़ भी मैं कर रही हूँ, या आप गेम्स वगैरह का रिकॉर्ड करना चाहते हो इन, या आप यूट्यूब से कोई वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो यूट्यूब, तो मैं यहाँ यूट्यूब को खोलकर आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ यूट्यूब खोला, ये इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। यूट्यूब जैसे ये खोलते के साथ आपको इस तरह से आ रहा है। नीट टू मच स्लो, जैसे मैं यहाँ सर्च करी सी आर ए ब्लॉगर बी आर डबल सी आर, मैंने ये सर्च करा तो ये मेरे कुछ चैनल्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे वीडियोज़ हैं। अब इसी स्क्रीन रिकॉर्ड को मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आई और यहाँ से मैंने इसे स्क्रीन स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर दिया। ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ओके, ये हमारा ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये आखिर हमारा स्टोर कहाँ हुआ। इसके लिए ये देखिए, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैं इसे कट करती हूँ। मैं आपको जो स्टोर हुआ वो दिखाती हूँ। आप यहाँ से आओगे माय पीसी। ठीक है, माय पीसी में सबसे पहले आते हैं, कहाँ गई माय पीसी, ये रहा माय पीसी। माय पीसी पे मैंने क्लिक किया, ये सबसे बाहर में जो है वीडियो उसी पे मैंने टच किया। ये देखिए, हमारा जो भी मैंने जो जो किया वो सारे स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, जो भी चीज़ किया वो सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हुई। ये बहुत ही इजी है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। विंडो 10 में ये आया ऐसा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं कुछ कुछ इस टाइप के भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।